खबर है इंदौर से। इंदौर में एक युवक का अपहरण कर उसके साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक रात में पान की दुकान पर खड़ा था। उस वक्त आरोपी उसे स्कॉर्पियो गाड़ी में जबरन बिठा कर ले गए और लगभग 3 घंटे तक बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की और बाद में उसे सुनसान जगह पर छोड़कर भाग गए। पत्नी को छोड़ा क्यों यह कहकर आशिक ने पीटा। इंदौर के इवेंट मैनेजर की पत्नी का दोस्त से अफेयर निकला। अलग अलग रहने पर मारपीट। इंदौर में एक युवक का अपहरण कर उसके साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक रात में पान की दुकान पर खड़ा था। आरोपी उसे स्कॉर्पियो गाड़ी में जबरन बिठाकर ले गए और लगभग 3 घंटे तक उसके साथ मारपीट करी। जानकारी के अनुसार महिला की 2 शादियां हुई थी। पहले पति की जानकारी नहीं थी लेकिन दूसरी शादी गणेशपुरी के नयन पाटीदार से हुई थी। महिला का एक और लड़के से अफेयर था जो कि नयन की गैर मौजूदगी में उससे फ्लैट पर मिलने आता था। वह नयन का भी दोस्त था। पत्नी का दोस्त से अफेयर होने के पता चलने पर नयन ने पत्नी को छोड़ दिया और परिवार के साथ रहने लगा। आरोपी इसी बात से नाराज था और पहले भी धमकी दे चुका था। टीआई दिनेश वर्मा के मुताबिक सोमवार रात करीब 9:30 बजे के लगभग उसे इलाके में रहने वाला जय वर्मा, भोला और उसके अन्य साथी स्कॉर्पियो में जबरदस्ती बैठा कर ले गए और लगभग 3 घंटे तक अलग अलग जगह पर गाड़ी खड़ी कर उसकी पिटाई करते रहे। आरोपी रात में गोयल नगर के यहाँ सुनसान इलाके में उसे छोड़कर फरार हो गए। मामले में सभी आरोपियों पर अपहरण और मारपीट के मामले में केस दर्ज किया गया है। नयन के पिता गोपाल पाटीदार ने बातचीत में बताया कि नयन एक इवेंट मैनेजमेंट का काम करता है। जय वर्मा से उसकी दोस्ती थी। गरबे के दौरान उसकी राधा नाम की शादीशुदा महिला से पहचान हुई थी। जय ने नयन से राव इलाके में राधा की 2 माह पहले शादी करा दी थी जिसमें राव इलाके की एक बिल्डिंग में नयन और राधा साथ रह रहे थे। नयन के घर से जाने के बाद जय का यहाँ आना जाना लगा रहता था। इस बात से नाराज होकर नयन ने 15 दिन पहले गणेशपुरी कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहना शुरू कर दिया था और राधा को छोड़ने की बात भी कही। राधा को छोड़ने की बात से जय लगातार नाराज था। वह लगातार नयन को कॉल करके धमकी देता रहा। इसके चलते नयन ने अपना मोबाइल भी बंद कर दिया था। नयन सोमवार को घर के पास चौराहे पर पान की दुकान पर खड़ा था तभी आरोपियों ने उसका अपहरण कर लिया। गोपाल के मुताबिक जय वरिष्ठ कांग्रेस नेता का भतीजा है।